वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फ्लेमिंगो और वेस्टास जो आपकी लिटरेचर के अंदर जो बुक्स हैं उसकी ये वन शॉट वीडियो दूंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आज तक, और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने टर्म टू के अंदर 40 में से 40 लाना चाहते हो तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो आप जरूर देख के जाना। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत कुछ बताता रहता हूं, पर इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? तो वीडियो को आप एंड तक देखना। वैसे तो मैंने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस बनाए थे, लेकिन बहुत बच्चों को ढूंढने में दिक्कत होती है लास्ट में एग्जाम टाइम पे, तो मैं आप ही के लिए ये एक पूरी कंप्लीट वन शॉट वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपके सेकंड टर्म के सारे चैप्टर कवर कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? तो आपको कोई भी इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा रिप्लाई मिलने में, लेकिन आपका रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है? मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आप इसको सर्च मारिए और आप अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। उससे पहले आपको बता दूं कि आप ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूं इसकी समरी जरूर देख लें। मैंने समरी में बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में कवर किया है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो बस आप उन लिंक को क्लिक करना और आपकी वीडियो आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी। और 20-20 मिनट के भी मतलब कम टाइम की ये वीडियोस हैं जो कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बना देंगी कि चैप्टर किस बारे में है। तो फ्लेमिंगो से हम स्टार्ट करते हैं। द रेड ट्रैप हमारा चैप्टर होगा पहला, और उसके बाद इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं। और पोएम्स की मैंने वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बना दी है, अगर नहीं देखी आपने तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रेड ट्रैप, ठीक है, बिग रेड ट्रैप, एज द ट्रैम्प स्टेटेड इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, हु माइट द रेड ट्रैप पेडलर बी, डिस्कस, ठीक है? सो यहाँ पे हमें बताना है कि मतलब कि ये दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप है, इस तरीके से कुछ बताया जाता है। तो इसमें यही आंसर है कि इसका कि इन द वर्ल्ड दैट इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये दुनिया एक जाल है। द रेड ट्रैप पेडलर वेंट फ्रॉम बींग समवन हु मेक्स रेड ट्रैप हिमसेल्फ टू समवन कॉट इन वन, आपको पता है ये खुद रेड ट्रैप बेचता था, लेकिन इसने खुद ही अपने आप को ऐसा फंसा हुआ पाया अपनी लाइफ के अंदर। जब ये जंगल में जाता है कहता है कि मैं खुद इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ। द पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ मेकिंग रेड ट्रैप, उसने अपनी जिंदगी जो ज्यादातर बिताई है वो रेड ट्रैप्स को बनाने में बेचने में, मतलब कुछ पैसों में उसको वो बेच दिया करता था पैनी में, ठीक है? सो ही इवन रिजोर्टेड टू बैगिंग एंड थीवरी कॉज द वर्ल्ड एंड इट्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल हैज बीन टू क्रूएल ऑन हिम, काफी ज्यादा मतलब बहुत ही मुश्किल होती थी उसको अपनी जिंदगी गुजारने में, ठीक है? और बहुत बारी चोरी चकारी भी करनी पड़ जाती थी। येट इवन वेन द क्रॉफ्टर शोड हिम काइंडनेस, ठीक है, क्रॉफ्टर उसको काफी अच्छे से पेश आता है, ही किड नॉट हेल्प बट गिव इन टू हिज टेम्पटेशन ऑफ हैविंग मोर एंड एंडेड अप स्टीलिंग हिज मनी, और लेकिन जो पेडलर है वो लास्ट में उसको क्या करता है, उसी की पैसे को चुरा के भाग जाता है। सो द पेडलर न्यू दैट द रिचेस एंड जॉयज, पेडलर को समझ आ जाता है ये जो हमें खुशियां हैं, ये जो हमें रिचेस मिलती हैं, ये जो डिजायर है शेल्टर और फूड की, ये कुछ भी नहीं है, ये सभी लालच हैं रेड ट्रैप में फंसाने की, ठीक है? ये दुनिया हमें फंसाती है। सो ही दो विद गिल्ट गिव्स इन टू हिज टेम्पटेशन एंड फाइंड हिमसेल्फ कॉट इन द विशियस रेड ट्रैप दैट द वर्ल्ड इज, और उसको लास्ट में ये चीज समझ आ जाती है कि ये जो मैं पैसे चुरा के भागा था ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मैं रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बींग अ रेड ट्रैप, कहाँ से इसको पता चलता है? सो वाइल गोइंग हिज वे, जब वो अपने रास्ते से जा रहा होता है, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, जब वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में मतलब सोच रहा होता है तो उसको सडनली एक आइडिया आता है कि द होल
ठीक है, ये मतलब जितना भी ये वर्ल्ड है जिसमें लैंड आता है, सीज आते हैं, सिटीज, विलेजेस, ये कुछ नहीं है, ये सब रेड ट्रैप है। ये हमें रिचेस एंड जॉयज ऑफर करते हैं, शेल्टर एंड फूड ऑफर करते हैं, और बाद में हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हम रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रेड ट्रैप होता है, जो चूहे को फंसाने का होता है, उसमें हम चीज लगाते हैं, पोर्क लगाते हैं, ताकि चूहा उसमें फंस जाए। ओके, जो भी उसको टच करता है रेड ट्रैप में, वो फंस जाता है जाल में। ऐसे ही ये दुनिया हमें ये सब खुशियां दिखा के अपनी तरफ बुलाती है और हम रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? Because जो काफी वो अकेला था क्रॉफ्टर, उस कॉटेज में, कुटिया के अंदर बहुत अकेला था, बहुत ही लोनलीनेस उसको फील होती थी, लाइफ उसकी बोरिंग थी, वो काफी बूढ़ा था, उसकी वाइफ चिल्ड्रन नहीं थे, सो ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन। उसको खुशी हुई कि कोई है मेरे साथ यहाँ पे बातें करने वाला और मेरा अकेलापन दूर होगा। What made the peddler think that he had indeed fallen into rat trap? ठीक है, उसको कैसे पता चलता है कि वो rat trap में फंस चुका? So after stealing the crofter's money, crofter की मनी चुराने के बाद peddler जो है, वो उसको लग रहा था कि पब्लिक हाईवे पे चलना सही नहीं है, सेफ नहीं होगा, सो उसने अपना रास्ता बदल के फॉरेस्ट की तरफ चला गया। और वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, बार बार वो उसी जगह पे आके मतलब फंस जा रहा था, और उसको समझ में आ गया कि अब वो एक ऐसे रेड ट्रैप में फंस चुका है जहां से अब वो बाहर नहीं निकल सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पेडलर रॉब द पुअर क्रॉफ्टर? कैसे पेडलर ने पुअर क्रॉफ्टर को मतलब रॉब किया? सो द पेडलर स्टोल हिज मनी, पेडलर ने उसके पैसे चुराए, क्योंकि वो चोरी भाई चोरी चकारी भी करता रहता था। और द पेडलर न्यू वेयर द क्रॉफ्टर हैड केप्ट हिज 30 क्रोनर, उसको पता था कि क्रॉफ्टर ने अपने पैसे कहाँ रखे हुए हैं। सो एज सून एज द क्रॉफ्टर लेफ्ट हिज कॉटेज, जब क्रॉफ्टर अपना घर छोड़ के बाहर जाता है, सो पेडलर वापस आता है, विंडो को तोड़ता है और पैसे निकालता है लेदर पाउच से, और वो उसको वहीं पे पाउच को रख के पैसे लेके फरार हो जाता है। तो ये होगा। Why did the Iron Master speak kindly to the peddler and invite him home? क्यों वो आयरन मास्टर उससे प्यार से बात करता है पेडलर को और अपने घर बुलाता है? सो द आयरन मास्टर ऑफ द राम्स, जो आयरन वर्क स्पोक काइंडली टू द पेडलर, बिकॉज वो उसको गलत आदमी समझ बैठता है, वो सोचता है कि ये मेरा ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, मेरा दोस्त होगा कोई, कैप्टन वॉन स्टेल है ये। ठीक है, द आयरन मास्टर वॉन्टेड टू हेल्प द पेडलर, ठीक है, वो चाहता था कि पेडलर की हेल्प करे। मोर ओवर द आयरन मास्टर वॉज अ लोनली फेलो हु लिव्ड विद हिज ओल्डेस्ट डॉटर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड डिपार्चर ऑफ हिज सन्स, वो अपनी बेटी के साथ रहता था। एज ही लॉन्ग्ड फॉर सम कंपनी ऑन द क्रिसमस ईव, वो चाहता था कि कोई हमारे साथ क्रिसमस की शाम हमारे साथ रहे, सो ही इन्वाइटेड द पेडलर, सो वो उसको पेडलर को इन्वाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the peddler decline the invitation? अब पेडलर ने मना क्यों कर दिया जाने से? So as iron master mistook peddler as an old regimental comrade and invited him home, so iron master ने उसको गलत आदमी समझ के अपने घर इनवाइट कर लिया था। So पेडलर समझ गया था कि भाई वो डरा हुआ था कि एक तो भाई मैं हूं नहीं है जो बंदा मुझे समझ रहा है, अगर मैं एक तो पैसे और चुरा के जा रहा हूं, पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ। ठीक है, ये तो खुद शेर की गुफा में जाने वाली बात हो गई। सो यही था। सो ही थॉट इट वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। ओके, शेर के मुंह में खुद जाने वाली बात हो गई ये तो। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? सो पेडलर के बारे में एडला को कुछ डाउट्स थे, जो कि हैं, शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, वो देखती है कि ये आदमी घबराया हुआ है। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल, या ये जेल से भागा है। सो हिज अपीरियंस एंड बिहेवियर ऑल्सो लेफ्ट हर इन डाउट्स, काफी ज्यादा पेडलर का बिहेवियर चेंज था, जो कि एडला को डाउट में डाल रहा था कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी है भी या नहीं है, या मेरे पापा ने गलत आदमी समझ लिया इसे। वेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? सो इसको आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक अगले दिन पता चलती है, जब बेडलर को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाता है, उसको नहाया धुलाया जाता है, बाल काटे जाते हैं, शेविंग की जाती है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, भाई आयरन मास्टर को पता चलता है ये तो वो बंदा ही नहीं है जिसको मैंने समझ के बुलाया था। ठीक है, सो ये तो कुछ और ही था, ये लगता है अंधेरे में मैंने इसको कुछ और समझ लिया था, बुला भी लिया, वो गुस्से में आ जाता है। ये है, वॉय वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर?
पेडलर एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ के जाता है, ठीक है, और उसको काफी खुशी होती है। और उसके अंदर क्या होता है, एक स्मॉल रेट ट्रैप होता है जिसके अंदर 3 मुड़े हुए 3 क्रोनर के नोट्स होते हैं और एक लेटर भी लिखा हुआ होता है। और ही हैड लेफ्ट द 30 क्रोनर फॉर इट्स राइटफुल ओनर। वो कहता है कि ये पैसे उस तक पहुंचा देना ये जिसके हैं। ही वॉज नॉट अ थीफ बट हिज सिचुएशन मेड हिम डू सो। वो कहता है कि मैं चोर नहीं था लेकिन मेरी सिचुएशन ने मुझे चोर बना दिया ये सब करने के लिए। शी वॉज हैप्पी टू सी दैट ही हैड चेंज्ड हिमसेल्फ। लेकिन एडला को खुशी हुई कि ये आखिर इसको अपना रियलाइज तो हुआ मिस्टेक्स, मतलब जो इसने किया था। उसके बाद है, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। सो एडला अभी भी काफी ज्यादा वो सिंपैथेटिक थी, उसके लिए मर्सी थी अभी भी उसके दिल में। शी रिक्वेस्टेड हर फादर कि यार मतलब क्रिसमस की ईव है, हमारे प्रिंसिपल्स ये अलाउ नहीं करते कि हम इसको कहीं बाहर भगा दें। सो हमें इसके साथ मतलब क्रिश्चियंस का होता है ये फेस्टिवल क्रिसमस, सो हमें इसके साथ ही मना लेना चाहिए ताकि हमें भी थोड़ी कंपनी मिल जाए। व्हाट हॉस्पिटैलिटी डिड द पेडलर रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर। सो क्रॉफ्टर काफी अच्छे से काइंडनेस के साथ उसको ट्रीट करता है, अपने कॉटेज में शेल्टर देता है, पॉरिज देता है उसको सपर के अंदर यानी कि डिनर में। देन ही कट अ बिग स्लाइस फ्रॉम द तंबाकू रोल देता है उसको, और वो दोनों जॉलीज खेलते हैं जो कि कार्ड गेम होती है। काफी ज्यादा वो अपने किस्से शेयर करता है, ठीक है, मतलब ही शेयर्ड ऑल हिज लाइफ एक्सपीरियंस विद हिम। सो इस तरीके से ये हॉस्पिटैलिटी होती है। Why was the crofter happy when the peddler knocked at the door? क्योंकि भाई वो अकेला रहता था, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। How did the peddler earn his livelihood? What kind of life he live? So ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, रेड ट्रैप्स वगैरह बेचता था वो छोटे मोटे और बनाता था, और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बुरी थी, पुअर था वो, उसको उसकी हालात ने सिचुएशंस ने मतलब थीफ वगैरह भी बना दिया। हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट पेडलर, ये मैंने आपको अभी पीछे बता दिया है क्वेश्चन। डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। सो यहाँ पे है कि नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं करता क्रॉफ्टर की। अगले ही दिन वो उसके ट्रस्ट को तोड़ के और उसके 30 क्रोनर जो है उसको चुरा लेता है और उसको लेके भाग जाता है। वॉट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलेमेंसन्स इन्विटेशन। सो एडला काफी ज्यादा मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। शी वॉज कंपैशनेट एंड बेनोलेंट, और उसका जो बहुत ही ज्यादा मतलब जो एक रिक्वेस्ट थी उसको देखते हुए, जो वो वागाबोंड था यानी कि जो वो पेडलर था जो आवारा इधर उधर घूमता था, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आया कि यस मुझे जाना चाहिए, ये बच्ची इतनी रिक्वेस्ट कर रही है और अब मैं इसको मना नहीं कर सकता। सो ही एक्सेप्टेड। Why did the peddler decline to come home with the iron master? So ये भी पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है, Why did peddler sign himself as Captain Von Steel? So ये इसलिए साइन करता है लेटर में लास्ट में क्योंकि इट वॉज द कैप्टन दैट द पेडलर हैड बीन इन्वाइटेड टू द मेनर हाउस। उसके आयरन मास्टर के घर में जब उसको बुलाया गया था तो कैप्टन के तौर पे बुलाया गया था, क्योंकि गलत समझ लिया था उसे। एंड दो ऑल द फैक्ट अबाउट हिम वॉज आउट, ही हैड बीन एंटरटेन्ड देयर एज अ कैप्टन। उसकी जो सेवा पानी हुई वहां पे, जो उसकी सर्विस बहुत ही अच्छी हुई क्योंकि कैप्टन समझ के वो लाए थे। एंड इट वॉज इन इन दिस रोल दैट हिज कंसाइंस शुक हिम एंड ही एस्केप बीइंग कॉट इनटू द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, दैट वॉज वाई ही साइंड हिमसेल्फ एज अ कैप्टन। और वो अपने आप को एक कैप्टन की तरह साइन इसलिए करता है कि जो भी मतलब उसकी सेवा हुई थी वो कैप्टन के नाम पे हुई थी। वाई डिड मिस विलमेंसन फाइंड द पैकेज, वाई डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। सो ये आपको मैंने पीछे बता दिया है, जो गिफ्ट छोड़ के जाता है पेडलर वो 30 इग्नोरर, और कहता है कि इसके असली मालिक को दे देना, उसको बहुत खुशी होती है कि पेडलर अब चेंज हो चुका है। सो यही था। व्हाई डिड पेडलर डिसाइड टू टेक हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट, ये भी हम पीछे करके आ चुके हैं। ये इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई इसने पैसे चुराए थे पब्लिक हाईवे से, ये जाना नहीं चाह रहा था और ये फॉरेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट में जाता है तो उसको लगता है ये रेड ट्रैप में फंस चुका है, मतलब खुद ही फंस चुका है रेड ट्रैप बेचने वाला, रेड ट्रैप के ही इसमें। डिस्क्राइब द हॉस्पिटैलिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। हॉस्पिटैलिटी जो उसको मिलती है वहां पे, शेविंग वगैरह ड्रेस अप होता है उसका, उसको नहलाया धुलाया जाता है, क्रिसमस ईव पे बुलाया जाता है, पॉरिज उसको मिलता है, क्रिसमस की फिश मिलती है, ये सब हो जाएगा। वॉट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इन टू अ रेड ट्रैप, ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इस तरीके से भी आ सकता है कि जब वो क्रॉफ्टर की पैसे चुरा के जाता है पब्लिक हाईवे से, वो नहीं सेफ लगता उसको, वो फॉरेस्ट में जाता है। सो ही रियलाइज ही हैज बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसको लगता है बार बार मैं यहीं घूम रहा हूँ, सो उसको लगता है ये फंस चुका। हाउ वॉज ही वेलकम्ड बाय द ओल्ड क्रॉफ्टर, ये भी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से वो एमजोलिस खेलते हैं, पॉरिज खाते हैं और वो सब।
ठीक है। Why was Adela happy to see the gift left by the peddler? ये भी मैंने आपको बता दिया है। How did Adela persuade her father to let the peddler stay in their home till Christmas? ये भी आपको मैंने बता दिया है कि उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो ये नहीं कहते हैं कि आप किसी को भी भगा दो इनवाइट करके। सो क्रिसमस की ईव पे दोनों को कंपनी चाहिए थी, ठीक है। सो इसी के लिए वो रिक्वेस्ट करती है अपने पिता से भी कि उसको रहने दीजिए एक दिन के लिए। Why did the crofter show the 30 kroner to the peddler? वो ऐसा क्यों दिखाता है? ये देखिए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। सो द क्रोफ्टर हैड अ काउ, उसके पास एक गाय थी, विच ही वॉज प्राउड ऑफ, काफी उसको उसके ऊपर प्राउड था, बिकॉज काफी ज्यादा मिल्क मिल जाता था जिससे उसको सपोर्ट मिलती थी। सो सिंस ही नेवर हैड एनी गेस्ट एंड लिव्ड अलोन इन हिज हाउस, उसके घर पे भी कोई गेस्ट नहीं आता था, वो अकेला ही रहता था, ही वॉज हैप्पी टू शेयर हिज कॉन्फिडेंस ऑफ गेटिंग 30 kroner बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ। वो काफी ज्यादा उसको अच्छा लगता है शेयर करके कि मेरी इतनी कमाई हुई थी। सो वेन ही सो दैट द पेडलर वॉज नॉट कन्विंस्ड ही गॉट अप एंड टुक आउट द 10 kroner बिल्स, ठीक है, और 30 kroner हो गए, एंड शो देम टू द पेडलर, और वो उसको पेडलर को दिखाता है। वॉट वॉज द कंटेंट ऑफ द लेटर रिटन बाय द पेडलर टू एडला? सो यही कंटेंट था, पीछे हम देख के आ चुके हैं कि वो किस तरीके से थैंक्स कहता है कि जो उन्होंने मुझे बुलाया, और किस तरीके से उसने रिक्वेस्ट भी करी लेटर के अंदर कि ये जो इसका असली ओनर है, जो मैंने चुराए हैं पैसे, वो ये पैसे वहां तक असली ओनर तक पहुंच जाने चाहिए। व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वॉज अ रैट ट्रैप? ये भी हम पीछे देख के आ चुके हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हमें रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, चीज, पोर्क, ये सब ऑफर करता है, और हम इसमें फंस जाते हैं और हम रैट ट्रैप में आ जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें, सो द पेडलर बिलीव्ड दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, और ये हाउ डिड ही हिमसेल्फ गेट कॉट इन द सेम? पीछे जो मैंने आपको ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे उसी को मिक्स करके आपको एक बड़ा बना देना है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ये वही सब है, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया है। इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। टू बी ग्रेटफुल इज अ ग्रेट वर्च्यू ऑफ अ जेंटलमैन, ठीक है, एंड हाउ डिड द पेडलर शो हिज ग्रेटिट्यूड टू एडला? सही, वही इसमें यही था लास्ट में, वो मतलब अपना लेटर छोड़ जाता है, ठीक है, जो उसने पैसे चुराए थे वो वापस उसमें रख देता है, और किस तरीके से मतलब वो एडला उसको देखती है, सो बहुत खुश होती है, वो यही बताता है कि ये पैसे असली मालिक तक चले जाने चाहिए। थैंक्स कहता है पेडलर, शोज हिज ग्रेटिट्यूड टू एडला एंड एडलास केयर, एंड किस तरीके से उसने, एडला ने उसको चेंज करके रख दिया और उसको एक जेंटलमैन बनाया। सो यही सब इसके अंदर आएगा। एडला प्रूव टू बी मच मोर परसुएसिव देन हर फादर वाइल डीलिंग विद द पेडलर, कमेंट। सो यहाँ पे एकदम सही लिखा है, एडला वॉज मोर परसुएसिव देन हर फादर द आयरन मास्टर बिकॉज ऑफ हर जेंटल कंपैशनेट बिहेवियर टुवर्ड्स द पेडलर, इसका बिहेवियर काफी अच्छा था, ओके, एंड शी इवन टोल्ड हिम दैट ही कैन लीव वेन एवर ही विश टू। सो दिस कन्विंस्ड द पेडलर टू चेंज हिज माइंड एंड एक्सेप्ट हर इन्विटेशन टू स्पेंड वन इवनिंग विद देम। और इस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब परसुएसिव है। ऑल दो शी हैड हर मिसगिविंग्स अबाउट द पेडलर, शी वॉज हैप्पी टू हेल्प अ पुअर होमलेस मैन हु हैड अर्लियर बीन चेज्ड अवे बाय ऑल। सो उसको काफ़ी खुशी होती है कि उसने एक ऐसे बेघर मतलब आदमी की मदद करी। सो इसी तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो काइंड थी, काफ़ी ज़्यादा वो फ्रेंडली थी, ठीक है, और यही सबसे मतलब पेडलर जो था वो भी चेंज हो गया। फिर उसके बाद है, हाउ आर द एटीट्यूड्स ऑफ द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिफरेंट? सो ये भी आप पिछले वाले के ज़्यादातर पॉइंट्स ले सकते हो, बस स्टार्टिंग में आयरन मास्टर का एटीट्यूड बता देना कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मना कर देता है कि इसको हम नहीं रखेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि शुरू में तो उसी को ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। आयरन मास्टर की डॉटर काफ़ी काइंड हार्टेड थी, लेकिन आयरन मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, ओके, और वो कहता है अभी भगाओ इसे। सो उसके बाद है, बट वेन द रेट्रैप पेडलर इज बाथड, शेव्ड एंड ड्रेस्ड इन द आयरन मास्टर सूट, द आयरन मास्टर रियलाइजेज दैट ही इज नॉट हिज रेजिमेंटल कॉमरेड। सो जब उसको पता चलता है कि ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, सो वो कहता है कि इमिडिएटली भागो यहाँ से, भगा दो इसे यहाँ से, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से हमें बिहेवियर पता चलता है कि दोनों का कितना अलग था। द स्टोरी द रेट ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसफिकल, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट? सो हम कह सकते हैं कि एंटरटेनिंग स्टोरी है और फिलोसफिकल भी है, क्योंकि
यहाँ पे अगर आप देखोगे, द फास्ट पेस्ड नरेटिव इन द थर्ड पर्सन, जेनरस यूज ऑफ डायलॉग बाय द ऑथर एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट माइंडसेट्स एंड लोकल्स मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग भी है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। सो बिसाइड्स द ऑथर हैज मैनेज टू कीप अप द सस्पेंस, सस्पेंस काफी ज्यादा है। द इंसिडेंट्स इन द फोर्ज विद द आयरन मास्टर कमिंग एट मिड नाइट होल्ड अवर अटेंशन, द पेडलर्स इनसेसेंस रिफ्यूजल्स टू द आयरन मास्टर टू अकम्पनी हिम बट ही इज एक्सेप्टिंग एट लास्ट इन्विटेशन इन वन गो, एक कहने पे ही एडला का इन्विटेशन वो मान लेता है। और उसके बाद आयरन मास्टर को बाद में अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन होता है। एडला जो अपनी सिंपैथी दिखाती है, जेनरोसिटी दिखाती है, ये स्टोरी को काफी अच्छा बनाता है। व्हाइल ऑल द अबव इवेंट्स मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग, और काफी ज्यादा फिलोसफिकल भी बना देते हैं इस स्टोरी को। फिलोसफी में भी हम यही सब पढ़ते हैं, ठीक है, कि सिंपैथी, जेनरोसिटी और ये सब हमें वहां भी पढ़ने को मिलता है। सो समवेयर द पेडलर्स थियरी ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप इज ट्रू, और वो पेडलर जो सोचता है वो सही है, ये दुनिया रैट ट्रैप है। और उसको खुद जब पता चल जाता है कि ये रैट ट्रैप में फंस चुका है, ठीक है। सो द स्टोरी टीचेस अस दैट एज ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट अबव टेम्पटेशंस, ठीक है। सो ये इसमें आएगा, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। सो एक तो वो अकेला था, काफी ज्यादा बुरा उसके साथ सभी लोग ट्रीटमेंट करते थे, वो एक थीफ तक भी बन गया था, बैकर तक बन चुका था। फिर एडला का जो कंपैशन भरा बिहेवियर, काफी अच्छे से ट्रीटमेंट उसको जो दिया, वो उसको चेंज करके रख दिया पेडलर को, और उसने फिर पैसे लौटा दिए, स्टोलन मनी और लेटर ऑफ थैंकफुलनेस भी उसने लिखा। हाउ डज द स्टोरी रेड ट्रैप हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन, सपोर्ट योर रेशनल विद टेक्सुअल एविडेंस। यहाँ पे देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है, ही कैन नॉट लिव अलोन, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ ही नीड्स द हेल्प ऑफ समवन और द अदर। हाउ एवर देर आर फ्यू पीपल हु डो नॉट लिव टू सोशलाइज विद अदर्स, ठीक है, दे स्टे अवे फ्रॉम देयर फेलो बींग्स, दे शिर्क द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड बिकम रिक्लूस, ठीक है, एंड दे आर ओवर पावर्ड बाई नेगेटिव फीलिंग्स। द थीम्स ऑफ ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू हैव समवन टू शेयर वंस जॉयज एंड सोरोज विद रन्स थ्रू आउट द स्टोरी। तो उसको शुरू से एंड तक देखोगे तो आपको अकेलेपन, पहले क्रॉप्टर का अकेलापन, बाद में जो आयरन मास्टर उसकी बेटी का अकेलापन, लोनलीनेस हमें देखने को मिलती है कि मैन एक सोशल आदमी, मतलब एक सोशल प्राणी है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए सभी के साथ। सो टू बिगिन विद द रीडर्स अटेंशन इज ड्रॉन टू द पेडलर हु इज लोनली। सबसे पहले तो पेडलर खुद अकेला है, बाद में क्रॉप्टर अकेला है, ये आयरन मास्टर अकेला है, डॉटर उसकी अकेली है, और सभी को कंपनी चाहिए किसी ना किसी की, यही बताया गया है इसमें। नाउ अब हम चलते हैं इंडिगो चैप्टर के ऊपर, अपने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाई वाज गांधी जी अपोज सी एफ एंड्रयूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण। गांधी जी ने इसीलिए अपोज किया, वो चाहते थे कि ही थॉट दैट हिज कॉज वॉज जस्ट एंड अर्ज हिज लॉयर फ्रेंड्स टू रिलाई ऑन देमसेल्स। वो चाहता था कि वो सभी लोग अपने पैर पे खड़े हों, खुद से वो सब कुछ करें। ही ऑल्सो कंसिडर्ड टेकिंग हेल्प फ्रॉम एन इंग्लिश मैन अ वीकनेस, और अगर हम किसी अंग्रेज की मदद लेते हैं तो ये भी एक कमजोरी होगी। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बींग रिजोल्यूट। तो इसको काफी ज्यादा रिजोल्यूट इसलिए बताया गया है क्योंकि टू अकंपनी हिम टू द मतलब डिस्ट्रिक्ट नेम चंपारण, गांधी जी वॉज बिजी एट दैट टाइम। गांधी जी बिजी थे, उनको और पार्ट्स में भी जाना था इंडिया के, लेकिन शुक्ला जो थे, राजकुमार शुक्ला, वो हर जगह उनको फॉलो कर रहे थे और गांधी जी को कह रहे थे एक डेट फिक्स कर लो जहां पे आप हमसे मिल लो। और इस तरीके से गांधी जी को पता चलता है कि राजकुमार शुक्ला कितने रिजोल्यूट थे। हाउ डिड शुक्ला सक्सीड इन परसुएडिंग गांधी जी टू विजिट चंपारण। सो राजकुमार शुक्ला वेंट अप टू गांधी जी, वो गांधी जी के पास जाते हैं, एंड वॉन्टेड हिम टू विजिट चंपारण, वो चाहते थे कि गांधी जी चंपारण चलें। गांधी जी टोल्ड हिम दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, वो कहते हैं कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और इंडिया में और जगह भी जाना है मुझे। राजकुमार शुक्ला उनको फॉलो करते हैं हर जगह, आश्रम में भी जाते हैं अहमदाबाद में। सो गांधी जी वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद शुक्लाज डिटर्मिनेशन। सो गांधी जी आस्क्ड शुक्ला टू मीट हिम इन कैलकटा एंड टेक हिम फ्रॉम देयर, वो कहते हैं कैलकटा से मुझे ले जाना, आगे चंपारण चलेंगे। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वॉन्ट टू मीट गांधी जी, क्यों वो मिलना चाहते थे? बिकॉज राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर, बटाईदार थे, वो किसान थे चंपारण के, ही वॉज इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं थे, बट वो काफी ज्यादा डिटरमाइंड थे। और कांग्रेस सेशन जो था उसमें वो आए थे और वो इनजस्टिस बता रहे थे जो लैंडलॉर्ड सिस्टम का है बिहार में। सो ही वॉज श्योर दैट गांधी जी कुड हेल्प देम, वो पक्का ये मानते थे कि गांधी जी ही मदद कर सकते हैं। ही वॉन्टेड गांधी जी टू कम टू चंपारण। Why did Gandhi ji agree to a settlement of 25% refund to the farmers? So 25% ही refund सिर्फ मिलने वाला था, गांधी जी इस पे agree क्यों होते हैं? क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि पैसा कितना मिल रहा है ये जरूरी नहीं है, सरेंडर किया है उन लोगों ने वो ज्यादा जरूरी है, हमारी मॉरल विक्ट्री हुई है, ओके इन लोगों ने सरेंडर करके पैसे दिए हैं, इनको झुकना पड़ा है हमारे आगे, ये ज्यादा जरूरी सा था। सो द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिज्ड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज विद द मनी गेव अ मॉरल विक्ट्री टू द फार्मर्स, ये मॉरल विक्ट्री है। वॉट हैपेंड वेन राजकुमार शुक्ला टुक गांधी जी टू हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद इन पटना। सो एट दैट टाइम राजेंद्र प्रसाद जी वो नहीं थे, हाउएवर जो उसके जो सर्वेंट्स थे वो उनको अंदर बुलाते हैं। द सर्वेंट्स मिस्टुक गांधी जी फॉर एन अनटचेबल, गांधी जी को वो अछूत समझ लेते हैं, दे डिड नॉट परमिट हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और वो पानी नहीं निकालने देते उनको, ऐसा होता है। हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट ऑफ चंपारण, गांधी जी कैसे मदद करते हैं? सो गांधी जी केम टू नो अबाउट द पीजेंट्स डिफिकल्टी, उनको किसानों की दिक्कतों के बारे में पता चलता है जो चंपारण में फेस कर रहे थे। द लैंडलॉर्ड जो वहाँ के जमीन के मालिक होते थे वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे थे पीजेंट्स को कि वो इंडिगो को प्लांट करें अपने 15% 15% होल्डिंग पे। सो ऑल द हार्वेस्ट वॉज टू बी सरेंडर टू द प्लांटर्स एज अ रेंट, और उसी को सारा आपको रेंट के तौर पर सरेंडर भी करना है। देवर ऑल्सो फोर्स टू साइन एग्रीमेंट, उनको एक और फोर्स किया गया था कि एग्रीमेंट पे साइन करो और जितना भी जो लॉस हुआ है वो भी आप भरो। सो गांधी जी ये सब सुन के काफी ज्यादा मतलब वो गुस्से में होते हैं और वो प्रदर्शन करते हैं और गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स के खिलाफ खड़े होते हैं, और उसके बाद जो भी मतलब गवर्नमेंट से उन्हें जो मिलता है प्लांटर्स जो होते हैं वो रिफंड देते हैं 25% का। वाई डिड गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? सो ये चंपारण का एपिसोड भाई वाकई में एक टर्निंग पॉइंट था। प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। इसका आंसर होगा गांधी जी हिमसेल्फ एक्सेप्टेड द प्रोपोजिशन दैट द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट, गांधी जी खुद मानते हैं, क्योंकि इट वॉज देन दैट ही डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया, वो कहते हैं अंग्रेजों को यहाँ से इंडिया को छोड़ने के लिए। इनफैक्ट द चंपारण एपिसोड वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया, और यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस का पहला एक्सपेरिमेंट था। व्हेन गांधी जी वॉज इन हिज वे टू चंपारण, जब वो जा रहे थे ही स्टेड इन मुजफ्फरपुर, वो मुजफ्फरपुर में रहते हैं, वेयर ही मेट द लॉयर्स, जहाँ वो लॉयर्स से मिले ओवर फाइटिंग केसेस फॉर द शेयर क्रॉपर्स, जो कि किसानों के केस लड़ रहे थे। द पीजेंट्स वर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, सारे किसान डरे हुए थे। गांधी जी कंक्लूडेड दैट लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस, गांधी जी कहते हैं ये अदालतें किसी काम की नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, गांधी जी कहते हैं असली हमारी जीत यही होगी कि जब ये इनका डर खत्म होगा। द स्पॉन्टेनियस डिमोन्स्ट्रेशन बाय द पीजेंट्स, बहुत ही ज़्यादा भयंकर प्रदर्शन होता है, गांधी जी को कोर्ट में जब वहाँ पे बुलाया जाता है सो काफ़ी अलग ही एक स्पिरिट के साथ एक नई स्ट्रेंथ आ जाती है वहाँ पे सभी के बीच। गांधी जी शोड द पुअर पीजेंट्स हाउ टू फाइट द ब्रिटिशर्स विद सत्याग्रह, गांधी जी बताते हैं कैसे अंग्रेजों से लड़ने के लिए सत्याग्रह का यूज़ करना है। ही मेड देम अवेयर ऑफ देयर पावर्स, गांधी जी उनको उनके पावर को रियलाइज करवाते हैं। सो दिस एपिसोड, ये जो चंपारण एपिसोड है ये इट्स ट्रूली टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। सो दिस न्यू रियलाइजेशन गेम हिम अ डायरेक्शन टू लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, इसी से उनको आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है। और भी उन्होंने बड़े बड़े मोमेंट्स चलाए जो कि हम सभी जानते हैं नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम के लिए। सो ये हो जाएगा। वॉट डिड गांधी जी डू टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आफ्टर द बैटल गांधी जी सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, काफी ज्यादा पिछड़ापन था चंपारण के अंदर, गांधी जी चाहते थे कुछ करूं मैं। सो ही टुक द इनिशिएटिव एंड बिगेन द वर्क टू इम्प्रूव एंड रिमूव सोशल बैकवर्डनेस, उन्होंने चंपारण में सोशल बैकवर्डनेस दूर करने के लिए काम स्टार्ट करवाया, प्राइमरी स्कूल खुलवाए और जहां पे बच्चे पढ़ सकें गरीबों के। गांधी जी और उनकी वाइफ के साथ बहुत से वॉलेंटियर उन्होंने जोड़े इस काम में, ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह बुलवाए वहां पे, और कस्तूरबा बाई ने क्लीनलीनेस के बारे में बताया, सैनिटेशन के बारे में सिखाया लोगों को, डॉक्टर जो था वो वहाँ पे लोगों की छोटी मोटी बीमारियों को देखने लगा। वॉट डिड गांधी जी डू टू रिमूव द कल्चरल, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, ठीक है। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वेंट टू मीट गांधी, वॉन्ट टू मीट गांधी, ये मैंने आपको बता दिया है। वॉट वॉज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया है। ये सभी क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ ये देख लेना, इसमें से बहुत से आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग समन टू अपियर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, ये देख लेते हैं। सो गांधी जी रिसीव्ड अ समन
गांधी जी को समन मिलता है कि कोर्ट में आना है आपको, बट डिसोबेड द ऑर्डर, वो मानते नहीं है उस ऑर्डर को। ही रिमेन्ड अवेकन ऑल नाइट, पूरी रात जागते हैं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, वो कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को कि आप बिहार आओ। और उसके बाद है कि ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, आश्रम में भी वो अपने इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, वाइसराय को भी वो बताते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट्स, तो ये भी मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। 15% जो भी होती थी उनकी होल्डिंग, वो उनको रेंट के तौर पर देनी पड़ती थी। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन वैन एंड वाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस, गांधी जी ने ऐसा कब कहा। सो द लॉयर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिटर्न होम, मतलब गांधी जी, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मतलब गांधी जी अरेस्ट हो चुके थे, बट जब उनको पता चलता है कि गांधी जी के अरेस्ट के बाद और भी ज्यादा लोग अब मतलब अपने इसमें जुड़ चुके हैं और मतलब कह रहे हैं कि हमें भी को मतलब अरेस्ट करो, हमें भी अरेस्ट करो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा गांधी जी भी कह देते कि ये चंपारण की बैटल अब हम जीत चुके हैं। फिर है व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण, सो वो लॉयर से मिलना चाहते थे, ये भी हम पीछे देख के आ चुके हैं। व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वॉज यूजलेस, क्योंकि वो जानते थे कोर्ट्स यूजलेस हैं, लोग डरे हुए हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता नहीं है, इनजस्टिस फैला हुआ है चारों तरफ, ठीक है, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ज्यादा जरूरी हैं उन सभी के लिए। सो ये सब इसमें आपको लिखना है। हाउ डिड सिविल ओबीडियंस ट्रम्प एट मोतिहारी, सो यहाँ पे है गांधी जी जब बताते हैं कि हिज एफर्ट्स एट चंपारण बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, फॉर दिस पर्पस ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन बट ही रिफ्यूज टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, पर गांधी जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। नेक्स्ट ही कॉल्ड अपॉन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिविजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहां पे चंपारण पड़ता है। सो द कमिश्नर बुलीड हिम, कमिश्नर उनको बहुत ज्यादा बुली करते हैं, फटकार लगाते हैं, एंड एडवाइज हिम टू लीव तिरहुत, वो कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, बट गांधी जी वहीं रहते हैं। दिस शोज दैट गांधी जी वॉज अ स्टॉन्च सीकर एंड बिलीवर ऑफ ट्रूथ, गांधी जी कंसल्टेड द लॉयर्स और उनको वो बताते हैं कि मतलब कि आप फीस मत लो किसी भी शेयर क्रॉपर से, इनका केस लड़ो। हावएवर गांधी जी डिसोबेड द कोर्ट्स ऑर्डर, गांधी जी जो हैं वो चंपारण में ही रहते हैं और सभी पीजेंट्स के साथ रहते हैं, सपोर्ट मिलती है उनको पीजेंट्स की, लॉयर्स की, और उनको ऑफिशियल नोटिस भी आता है कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए बस, पर वो नहीं मानते, उनका डिमोन्स्ट्रेशन जारी रहता है और उनका प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहता है, और आगे भी वो इसी तरीके से इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में जारी रहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन मतलब देते रहते हैं। अब हम चलते हैं विस्टास बुक की तरफ। तो भाई ये वन शॉट वीडियो है, मैं भी थक रहा हूँ थोड़ा बोलते हुए, लेकिन क्या करें, आपके लिए करना पड़ता है क्योंकि आपको भटकना ना पड़े इधर से उधर। बस आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, ये हमारी मेहनत है कि हम एक ही वीडियो में पूरा आपको बना रहे हैं। चाहते तो हम भी सारी वीडियोस जोड़ के आपको एक ही दे देते, ठीक है, रिकॉर्डेड वाली पहले से ही, लेकिन हम आपके लिए अगर कुछ अलग कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी ये मतलब सपोर्ट कर सकते हैं। शुड विजार्ड हिट मॉमी, सो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक, सो द विजार्ड वॉज मूव्ड बाय रोजर स्कंक स्टोरी, ऑन फाइंडिंग इज मैजिक वैंड ही चेंटेड सम मैजिक वर्ड्स एंड ग्रांटेड दैट रोजर शुड स्मेल लाइक रोजेस, ठीक है। विजार्ड ने भाई थोड़ा सा मंत्र वगैरह वो जानते हैं, ठीक है, और अपना जादू की छड़ी घुमा के उसको गुलाब की खुशबू दे देते हैं, तो इस तरीके से वो हेल्प हो जाती है। हाउ डिड रोजर स्कंक्स मॉमी रिएक्ट वेन ही वेंट होम स्मेलिंग ऑफ रोजेस, जब वो रोजर स्कंक घर जाता है स्मेल करता हुआ, तो उसकी मॉमी कैसा रिएक्ट करती है। सो द रोजर स्कंक बिगेन टू स्मेल लाइक रोजेस, और मॉमी पूछती है ये कहाँ से आ रही है स्मेल, रोजर स्कंक रिप्लाई करता है कि ये विजार्ड ने उसको ऐसा बनाया है। मदर उसकी कहती है कि रोजर स्कंक हम ऐसा नहीं रह सकते, आप अभी मुझे लेके चलो वापिस से, और ओरिजिनल स्मेल लानी होगी। वो जाती हैं विजार्ड को सर पे मारती हैं उसी की छड़ी से और वापस से वैसा बनवा देती हैं उसको। हु इज जो, हाउ डिड जो बिहेव इन रियलिटी फेस, तो जो जैक की 4 साल की बेटी है, शी इज नॉट अ पेशेंट लिसनर, बीच बीच में वो कुछ कहती रहती है स्टोरी सुनते हुए। शी डज नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम ग्रांटेड एंड ट्राइज टू सी थिंग्स इन हर ओन वे, अपने हिसाब से स्टोरी को वो देखती है। शी रेजेस क्वेश्चंस ऑन द फिगमेंट्स ऑफ हर फादर, फादर जो स्टोरी सुनाते हैं उस पर ही क्वेश्चन उठाती है। व्हाई डिड जो वॉन्ट द विजार्ड टू हिट मॉमी, जो चाहती थी कि ये विजार्ड मॉमी को मारे ना कि मॉमी विजार्ड को, ऐसा क्यों।
सो जो वॉज ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन मॉमी स्कंक एंड हर ओन मदर, ठीक है, शी परसीव्ड बोथ ऑफ देम एज एन इंटरफेयरिंग फैक्टर इन द इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो चाहती थी कि ये थोड़ा सा गलत हो रहा है और इंडिपेंडेंट ग्रोथ नहीं होने दे रही है ये अपने बच्चे की, और उनका बच्चा जिसके साथ कोई खेल नहीं रहा था। एक तो अच्छा हुआ उसको रोज की स्मेल मिल गई, लेकिन ये कैसी मदर है कि उसने मतलब उसको वापस से वैसा करवा दिया। वो चाहती थी कि विजार्ड मम्मी को हिट करे उसकी। ओके ये है। वॉज रोजर स्कंक्स मदर जस्टिफाइड इन फोर्सिंग हिम टू रिटेन हिज ओरिजिनल स्मेल? सो इसमें है, अप टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मदर बट नॉट विद द वे शी बिहेव्ड। भाई देखो, उन्होंने किया तो सही लेकिन उसका ये बिहेवियर गलत था। ओके, क्योंकि शी वॉन्टेड हर चाइल्ड टू रिटेन हिज यूनिक आइडेंटिटी। वो चाहती थी कि हमारी जो यूनिक आइडेंटिटी है ये बनी रहे। बट शी रिजेंटेड द रोज स्मेल वेरी स्टर्नली। द चाइल्ड शुड हैव बीन टेकन इन टू कॉन्फिडेंस एंड शुड हैव बीन मेड अवेयर ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स। बताना चाहिए था क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये थोड़ी ना ले जाके सीधा और विजार्ड को मार दिया सर पे और बोला कि ठीक कर तो मेरे बच्चे को वैसे, और आगे वापिस फटकार दिया। ये बिहेवियर सही नहीं होता। फिर है उसके बाद, हाउ डिड जो वॉन्ट द रोजर स्टोरी टू एंड? ये भी मैंने आपको बताई दिया है पीछे जो हम देख के आए हैं कि रोजर स्कंक के बारे में बताना कि क्या स्टोरी में चल रहा होता है। फिर आप इसमें बताओगे कि लास्ट में उसकी जो मम्मी है वो उसको देख के वापस ले जाती है, मारती है और उसको ले जाती है वहीं पे विजार्ड के पास, विजार्ड को भी हिट करती है और अब तो वो खेल भी नहीं सकता अपने दोस्तों के साथ क्योंकि उसकी स्मेल वापस आ जाती है। उसको काफी सैड फील होता है, काफी लोनली फील होता है। वॉन्टिंग रोजर स्कंक टू कंटिन्यू टू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड स्मेल हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस। एक्सप्लेन। सो लिटिल जो हैड बीन अकस्टम, ठीक हैड बीन अकस्टम टू द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरीज ऑफ रोजर वेयर द विजार्ड वॉज हेल्पिंग टू हिम इन फुलफिलिंग हिज विश। सो एट द रिक्वेस्ट ऑफ रोजर स्कंक द विजार्ड हैड चेंज्ड हिज ऑफुल स्मेल। देखो, रोजर स्कंक ने रिक्वेस्ट करी थी, जब भी उसकी स्मेल चेंज होती है खुशबू वाली हो जाती है। अदर स्मॉल एनिमल्स लाइक इट, और भी एनिमल्स खेलते हैं अब उसके साथ में। सो शी कुड नॉट डाइजेस्ट द एंडिंग ऑफ द एक्सटेंडेड स्टोरी वेयर रोजर स्कंक्स मदर हेड। उसको स्टोरी का एंड थोड़ा हजम नहीं होता। वो कहती है कि स्कंक की मदर गलत थी, नहीं हिट करना चाहिए था। जो इंसिस्टेड दैट हर फादर शुड टेल हर द सेम स्टोरी अगेन। वो कहती है अपने पापा से कि दोबारा से ये स्टोरी मुझे सुनाना लेकिन एंडिंग चेंज कर देना इसकी। द विजार्ड शुड हिट द मॉमी। ये कहती है विजार्ड को मारना चाहिए मॉमी को, और रोजर स्कंक वापस से बेचारा वैसा हो गया है। इन द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन फेरीज एंड विजार्ड्स आर मोर रियल देन रियलिटी इटसेल्फ। ठीक है, एंड शी कुड नॉट डाइजेस्ट द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। शी डिड नॉट लाइक द रूड मदर हु हिट द बेनिफैक्टर ऑफ हर ओन सन। सो वो अपनी मतलब यही है कि भाई मदर के बारे में बता रही है कि वो नहीं उसको पसंद आया ये जो रूट एटीट्यूड था, इसी के बारे में आपको आगे लिखना है। वी कैन नॉट अप्रूव ऑफ जैक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वाइफ। कमेंट। सो जैक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वाइफ वॉज नॉट अ वेरी हेल्दी वन। उसका अपनी वाइफ के लिए एटीट्यूड अच्छा नहीं था। ही डिड नॉट लाइक द फेक्ड हैप्पीनेस एंड स्माइल ऑफ हिज वाइफ इन कॉकटेल पार्टी। उसको अपनी वाइफ की खुशियां पसंद नहीं आ रही थी पार्टी वगैरह करने की। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज वाइफ। वो चाहता था अपनी वाइफ की हेल्प करे बट ही डिड नॉट इवन दो शी वॉज प्रेगनेंट। लेकिन जब वो प्रेगनेंट थी जब भी नहीं की। ही वॉन्टेड टू डोमिनेट हर। वो डोमिनेट करना चाहता था उसे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, टच हर और वर्क विद हर। वॉट प्रॉब्लम डिड रोजर स्कंक फेस वेन ही वेंट टू प्ले? ये तो आप समझ ही गए होंगे भाई अभी तक आपको क्या लिखना है इसमें, कि क्या प्रॉब्लम उसको थी। बदबू आती थी, स्मेल आती थी, कोई खेलता नहीं था एनिमल। फिर वो जाता है, आउल आउल बताता है आगे उसको विजार्ड के पास जाओ, फिर वहां पे वो जाता है। तो वही सब स्टोरीज आपको बतानी है इसमें लिख के, जो कि आप समरी में भी देख चुके हैं। हाउ वॉज द स्कंक स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरीज नरेटेड बाई जैक? सो रोजर स्कंक की स्टोरी काफी डिफरेंट थी बिकॉज द फैमिली लिव्ड हैप्पीली आफ्टर मीटिंग द विजार्ड। हर स्टोरी का एंड अच्छा होता था बट रोजर स्कंक वाली स्टोरी में क्या था, जो मदर है लास्ट में वो सेटिस्फाइड नहीं होती स्मेल से रोजेज वाली, वो उसको वापस से चेंज थोड़ा सा हो जाता है और ये स्टोरी थोड़ी सी एंडिंग सही नहीं होती, तो जो को भी ये थोड़ी अच्छी नहीं लगती। वॉट वॉज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक? तो देखो, जैक जो भी स्टोरी सुनाता था उसका प्लॉट बड़ा बेसिक सा होता था। और मतलब अपने बच्चों को जब वो स्टोरी सुनाता है तो वो यही होता है कि भाई रोजर एक होता था। अब वो रोजर कोई भी हो सकता है, रोजर स्कंक हो, रोजर स्क्वेरल हो, रोजर चिपमंक हो, रोजर फिश हो, ठीक है। वो एक मतलब विजार्ड से मिलता था,
वाइज आउल बताता था जाने के लिए। तो ये तीन कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही स्टोरी चलती थी, ये तीन प्राइमरी कैरेक्टर होते थे, तो ये बेसिक प्लॉट होता था। हैविंग गॉट रिड ऑफ हिज स्टिंक व्हाट प्रॉब्लम डिड रोजर स्कंक फेस। सो यहाँ पे वही है भाई प्रॉब्लम उसकी, मोमी वाली आपको बातें लिखनी है, आप समझ गए होंगे पढ़ के कि वो मतलब उसकी प्रॉब्लम तो ये थी कि उसके साथ कोई खेलता नहीं था, लेकिन वापस से अब उसकी वो बदबू आ गई थी। सो रोजर को बहुत अब बेकार लग रहा था। उसकी मम्मी उसको घसीटते हुए ले गई वापस विजार्ड के पास और फोर्स द लेटर टू गिव रोजर हिज ओरिजिनल स्टिंक बैक, असली उसकी बदबू वापस आ जाए, ये होता है। हाउ आर जैक्स व्यूज ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जो। जैक बींग अ पेरेंट थॉट दैट द मदर, देखो जैक ये कहता है कि स्टोरी सही है, एक मदर को पता है अपने बच्चे के लिए क्या सही है। जो ये कहती है कि थोड़ी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, बिना इंडिपेंडेंस के ऐसे कैसे आप मतलब कोई भी मदर अपने बच्चे को मार सकती है, ठीक है, तो इस तरीके से वो बताती है। व्हाई डिड रोजर स्कंक गो टू द आउल, व्हाट एडवाइस डिड ही गेट। सो रोजर स्कंक वॉज अनहैप्पी विद हिज बैड स्मेल, उसको भाई उसकी बुरी जो बदबू थी उससे वो खुश नहीं था, कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था, ठीक है, सभी भाग जाते थे। सो रोजर स्कंक जब ओल्ड वाइज आउल के पास जाता है तो वो उसको बताता है कि आप जाइए कहाँ पे, विजार्ड के पास। व्हाट डिड जो वांट द विजार्ड टू डू व्हेन मॉमी स्कंक अप्रोच्ड हिम। सो जो वांटेड दैट द विजार्ड शुड हिट मॉमी, ठीक है, ये भी आप देख चुके हो क्योंकि उसने गलत किया था उसकी मॉमी ने, बिकॉज जो थॉट दैट मॉमी स्कंक वॉज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स हर सन्स प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेम सिचुएशन कैन बी व्यूड थ्रू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। हाउ डज शुड विजार्ड हिट मॉमी एस्टेब्लिश दिस पॉइंट थ्रू व्यूज ऑफ जैक एंड जो। सो जब एक बच्चा ग्रो होता है, मैच्योरिटी इसमें आती है, इस पर्सपेक्टिव एंड विजन ऑफ लाइफ चेंज, उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है लाइफ का। अ चाइल्ड व्यूज थिंग्स एट अ सुपरफिशियल एंड सेंसरी लेवल, बट अ ग्रोन अप्स विजन इज रियलिस्टिक। बचपन में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है, जब हम बड़े होते हैं तो हम काफी रियलिस्टिक सा सोचते हैं, फिलोसफिकल चीजें सोचते हैं, इवन साइकोलॉजिकल सोचते हैं। व्यूड फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टोरी शुड विजार्ड इट मॉमी जो, अ चाइल्ड ऑफ फोर, जो जो कि एक 4 साल की सिर्फ मतलब बच्ची है, लाइक मोस्ट चिल्ड्रन ऑफ हर एज प्रेफर्स टू लिव इन ड्रीम्स एंड फैंटसीज, शी इज होस्टाइल बाय नेचर, काफी वो शांत है अपने नेचर में, होस्टाइल है, एंड वुड लाइक टू व्रीक वेंजेंस ऑन स्कंक्स मदर एंड वॉन्ट्स द विजार्ड टू रिटेलिएट, ठीक है, और वो चाहती है कि विजार्ड जो है वो रिटेलिएट करता, बदला लेता। शी इज एनॉयड बिकॉज हर फादर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर सजेशन, उसको काफी बुरा लगता है उसका फादर जो है वो बिल्कुल मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि फादर मैच्योर पर्सपेक्टिव के साथ है, उसका काफी ज्यादा मोरल एस्पेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फादर द विजार्ड हैड अनविलिंगली इंटरफेयर विद नेचर, वो कहता है कि विजार्ड ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, जो नेचुरल उसकी स्मेल है वही रहनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू हिम पनिशमेंट मेटेड आउट द विजार्ड इज वेल मेरिटेड, वो कहता है कि जो पनिशमेंट उसको मिली लास्ट में वो बहुत अच्छी थी। सो यहां से आप देख सकते हो दो डिफरेंट परस्पेक्टिव्स हैं। हाउ डज जो शो हर इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी। सो ये भी आप अभी तक पीछे पढ़ के आ चुके हैं, उसी को ही आप ऐड करके यहाँ पे देखेंगे तो वही सब लिखा हुआ है इसमें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप जरूर ले लें और इन क्वेश्चन को जरूर याद करें। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई डिड डेरी अवॉइड पीपल। सो डेरी काफी ज्यादा मतलब इंट्रोवर्ट था, एक्चुअली उसका जो फिजिकल डिफॉर्मिटी थी उसके साथ उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट हुआ। ही परसीव्ड दैट एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट एंड थिंकिंग अबाउट हिम, वो ऐसा समझता था कि हर कोई उसकी तरफ देखता है और उसके बारे में सोच रहा है, तो उसने कुछ ऐसा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया अपने अंदर, जिसमें वो काफी इन्फीरियर फील करने लगा, उसको मतलब काफी ज्यादा उसको दूर रहना पसंद रहने लगा उसे, ठीक है। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज हाउस ओपन। सो मिस्टर लैम का घर हमेशा गेट हमेशा खुला रहता था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे सो डेरी जब वहां पे जाता है तो वो गेट खुला हुआ था। सो मिस्टर लैम वॉज अ फोर्थ कमिंग पर्सन विद ओपन पर्सनैलिटी, काफी ओपन पर्सनैलिटी के थे, फिजिकल इम्पेयरमेंट उनके साथ भी थी। हिज ओपन पर्सनैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओपन डोर्स एंड कर्टेन लेस विंडोज ऑफ हिज होम्स, अगर आप देखोगे पर्दे नहीं थे उसके घर में,
ना गेट वो बंद करते थे, तो इसी से पता चलता है उनकी पर्सनैलिटी कितनी ओपन थी। व्हाई डज डैरी गो बैक टू मिस्टर लैम इन द एंड? सो मिस्टर लैम टीचेस डैरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। काफ़ी अच्छे अच्छे वो बात बताते हैं डैरी को। ही एडवाइज हिम नॉट टू केयर अबाउट द कमेंट्स मेड बाय अदर्स। वो कहता है मिस्टर लैम कि दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। ही नाउ नो लॉन्गर केयर्स अबाउट हिज बर्न फेस और लुक्स। अब डैरी को कोई फिक्र नहीं है अपने फेस के बारे में। ही नाउ वॉन्ट्स टू थिंक फील टू हियर एंड सी और एंड देयर फोर ही रिटर्न्स टू मिस्टर लैम। वो इसलिए जाता है वापस उनको देखने। सो हाउ डज मिस्टर लैम इन्फ्लुएंस डैरी? सो लैम बताते हैं कि मेरा जो पैर है, जो लेग है, वो टिन का है, नकली है। मेरे को लोग लंगड़ा लैम कहते हैं, लैमी लैम। बट स्टिल वो मेरे गार्डन में आते हैं, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं उनसे घबराता नहीं, ना वो मुझसे घबराते हैं। मैं कभी भी चिंता नहीं करता मेरा पैर कैसा है, मेरी एज कितनी है। मैं सिर्फ ओपन माइंडेड रहता हूँ। ये लेसन मिलता है डैरी को। व्हाई डिड डैरी कम बैक टू मीट मिस्टर लैम? सो ये मैंने आपको अभी पीछे बता ही दिया है, क्योंकि उसका माइंड सेट जो था वो मिस्टर लैम ने ही चेंज किया था। वो सिर्फ एक थैंक्स कहने के लिए उसको वापस आता है, उसकी मदर उसको रोकती है, फिर भी वो चला जाता है वहाँ पे। द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज बाय अ फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ आइसोलेशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हाउ कैन वी हेल्प एंड सपोर्ट देम? सो कैसे हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं? ठीक है, सो एक्चुअल पेन एंड इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन लेस देन द सेंस ऑफ, जो एक आइसोलेशन की फीलिंग आती है डिसेबल पर्सन को, वो काफ़ी बुरी होती है, जो उनके मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है। सो मिस्टर लैम जो है उसको लंगड़ा लैम कहा करते थे लोग, लैमी लैम। एंड मदर्स वर अफ्रेड ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू हिम। जो वहाँ पे जो आसपास लेडीज थी वो अपने बच्चों को भेजती नहीं थी उसके घर पे। डैरी हैज़ बर्नड फेस। डैरी का फेस जला हुआ था और कोई उसके ऊपर कमेंट करता था। ओनली द मदर कुड लव दैट फेस। सिर्फ एक माँ ही ऐसे फेस को प्यार कर सकती थी। सो दोनों जो लैम्ब और डैरी थे वो विक्टिम्स थे, ठीक है, वर्बल एट्रोसिटीज के। उनके ऊपर बहुत कमेंट्स होते थे। मिस्टर लैम्ब टेक्स कमेंट लाइटली एंड पॉजिटिवली। वहीं अगर डैरी की बात करें वो काफ़ी नेगेटिव था। सो द एटीट्यूड ऑफ पीपल नीड्स टू बी चेंज्ड। हमें किसी भी फिजिकली डिसेबल्ड को सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए, ना ही हमें उसको बेचारा कहना चाहिए, ताकि उनको अलग से फील ना हो, यही बताया जा रहा है। हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट व्हेन डेरी एंटर्स हिज गार्डन? सो काफ़ी वो वेलकम करते हैं, काफ़ी उसको अच्छा लगता है, और वो डेरी को बताते हैं कि मेरा घर सभी के लिए खुला है। वॉट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम हैव? वाई डज ही लाइक इट? सो मिस्टर लैम का गार्डन है, उसमें फ्लावर्स हैं, फ्रूट ट्रीज हैं, और मतलब रियरिंग बीज। और ही लाइक्स द गार्डन बिकॉज इट कीप्स हिम बिजी। उसको गार्डन बहुत पसंद है क्योंकि वो बिजी रहता है वहाँ पे। फिर इधर उधर मिस्टर लैम देखता रहता है कि प्लांट्स है, ठीक है, जो एप्पल्स वगैरह हैं वो देखता रहता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा। डू यू थिंक डैरीज मदर इज प्रोटेक्टिव ऑफ हिम? सो डैरीज मदर इज गिवन अ लिटिल कैरेक्टराइजेशन इन द प्ले। यस, वो प्रोटेक्टिव थोड़ी सी है, और वो ओवर प्रोटेक्टिव है। वो समझती नहीं है कुछ भी अपने बेटे के बारे में। शी कंट्रीब्यूट्स टू हिज आइसोलेशन बाय कीपिंग हिम होम। वो उसके बेटे की आइसोलेशन को ही मतलब जारी रहना देना चाहती है, क्योंकि वो बाहर नहीं जाने देती उसको, क्योंकि उसके बेटे के फेशियल इंजरी है। एंड ट्रीट्स हिम विद अ सेंस ऑफ पिटी दैट रोब्स हिम ऑफ डिग्निटी एंड ट्रीटिंग हिम लाइक अ परपेचुअली हेल्पलेस विक्टिम। उसकी मदर जो है उसको ऐसा ट्रीट करवाती है कि उसको ऐसा लगता है कि वो एक हेल्पलेस विक्टिम है। सो इस प्ले के अंदर जब आप देखोगे वो डैरी को जाने से भी मना करती है कि आप मिस्टर लैम के वहां मत जाओ। सो मिस्टर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि लैम के घर पे डैरी फिर भी जाता है, कुछ भी करके वो जाता है वहां पे। व्हाट इज कॉमन बिटवीन डैरी एंड मिस्टर लैम? सो बोथ ऑफ देम, ठीक है, बोथ ऑफ देम हैड देयर ओन डिसेबिलिटीज। मिस्टर लैम वॉज अ मैन हु ओन्ड अ टिन लेग एंड डैरी वॉज अ विक्टिम ऑफ एसिड अटैक। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो मतलब डैरी था उसको एसिड अटैक का वो विक्टिम है यहाँ पे, और वहीं जो मिस्टर लैम है वो टिन लैग था उनका लगा हुआ। फिर है इसके बाद बोथ ऑफ देम हैड फिजिकल डिफॉर्मिटीज विच मेड देम स्टे अवे फ्रॉम सोसाइटी। दोनों को कुछ ऐसी दिक्कतें थी जिनसे वो सोसाइटी से दूर रहते थे। इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप, हु सेड दीज लाइन्स? ठीक है, यहाँ ये वर्ड्स किसने कहे? ये डैरी ने बोले थे बड़बड़ाते हुए कि मेरा फेस खा गया है, ये मुझे खा गया है। क्या खा गया है?
क्योंकि उसका फेस जो है वो एसिड खा गया, एसिड से जला था। ही हैड वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न्ट, उसका एक साइड जो फेस की थी वो जली हुई थी। दैट वॉज द मेन रीजन वाई ही ऑलवेज कैप्ड हिमसेल्फ एंड डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे, अकेला रहता था। हाउ डज पीपल कंसोल डेरी वेन दे लुक एट हिज फेस, जब वो लोग डेरी को देखते थे तो वो क्या मतलब क्या कहते थे। पीपल ऑफन आस्क्ड हिम टू लुक एट दोज पीपल हु वर इन पेन, आर ब्रेव, नेवर क्राई, नेवर कंप्लेन, डोंट फील सॉरी। दे ऑल्सो आस्क्ड हिम टू थिंक ऑफ दोज हु आर वर्स ऑफ, लोग उसको यही बोलते थे कि लोग तुमसे भी कई बुरे बुरे हैं, कई लोग अंधे पैदा होते हैं, कोई गूंगे बहरे होते हैं, कोई व्हील चेयर पे चलता है, कोई पागल होता है, तुम फिर भी उनसे बेटर हो। सो ये सब लोग कहते थे। हाउ डू पीपल रिएक्ट टू डेरीज फेस, ये भी मैंने आपको बता दिया है, काफी वो सिंपैथी दिखाते थे। वॉट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी टू हिम, सो काफी वो पॉजिटिव थे, सैडनेस नेगेटिविटी तो कोई थी नहीं उनकी लाइफ में, और हमेशा से वो उनका मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक जो एटीट्यूड था और फ्रेंडली एटीट्यूड था, यही डेरी को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव एंड लो सेल्फ स्टीम बेसलेस फियर्स ऑफ डेरी, तो वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि वो किस तरीके से डेरी को बताते हैं कि ये आप किसी भी कमेंट को सीरियसली मत लो, सभी को इग्नोर करो। वाई डज डेरी स्टे अवे फ्रॉम पीपल, ये भी आप जान चुके हैं। द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट डिपिक्ट द अनयूजल बिहेवियर ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द फिजिकली डिसेबल्ड विच मेक्स दैम फील लॉनली, ये भी मैं आपको पीछे एक लॉन्ग क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इस तरीके से भी आ सकता है कि आप किसी के लिए इतनी सिंपथी इतना वो मत दिखाइए, कोई बेचारा आप अगर किसी को कहते हैं तो ये गलत उसको फील होता है, ठीक है। डेरी एंड मिस्टर लैम बोथ आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इंपेयरमेंट, दोनों को कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन दोनों के डिफरेंट्स अलग अलग हैं, जो एटीट्यूड है वो दोनों का डिफरेंट है, बताना है आपको। सो डेरी जो है वो 14 साल का बच्चा है जिसकी मेन प्रॉब्लम है उसका फेस जला हुआ है, वन साइड ऑफ हिज फेस हैड बीन बर्न्ड बाय एसिड, तेजाब से जला हुआ है, काफी इंफीरियर फील करता है वो, और ही इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट हिज फेस इज बैड, उसको हमेशा यही लगता है उसका फेस डरावना भयानक और बुरा है, अगली है, पीपल डरते हैं उससे, लोग डरते हैं, और वो दुनिया से अलग रहता है बिल्कुल। सो ऑन द अदर हैंड मिस्टर लैम की बात करें, सो वो तो भाई खुले आदमी है बिल्कुल, उनके ना तो घर में कर्टेन ना गेट बंद, लोग उन्हें लंगड़ा लैम भी कहते हैं, लैमी लैम, पर वो माइंड नहीं करते, और उनका एक पैर भी चला गया था वॉर में और उनका टिन का लैग है, फिर भी वो खुश रहते हैं, धूप में बैठना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, और डेरी से बिल्कुल अलग है, अपोजिट है, काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है, फ्रेंडली है, ओपन हार्टेड है, सभी को वेलकम करते हैं, ये आ जाएगा। डेरी स्नीक्ड इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन एंड इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, सो ये पूरा आपको इंट्रोडक्शन की तरह लिख देना कि डेरी क्या उसके साथ प्रॉब्लम थी, कैसे वो आता है गार्डन में, और वो जो उसको लेसन मिलता है वहां पे मिस्टर लैम से वो बता देना, बस यही आपको बताना है। हाउ इज द डेरी वी मीट एट द बिगिनिंग डिफरेंट फ्रॉम द डेरी एट द एंड, सो डेरी के स्टार्टिंग वाले में तो आप यही बताओगे कि लोग उसके बारे में जो कहते थे उसको वो क्या समझता था, लास्ट में आप यही बताओगे कि जब वो मिलके बाहर निकलता है मिस्टर लैम से, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक पॉजिटिव उसका माइंडसेट अब हो गया था। सो यही इसके आंसर में आपको देना है। अब है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज इवांस, सो यंग था, क्लेवर था और कैदी था। ही हैड एस्केप्ड थ्राइस फ्रॉम द प्रिजन फॉर विच ही वॉज नॉन इवांस द ब्रेक, भाई उसने जेल तोड़ के कई बारी भाग चुका था वो, 3 बारी। ही वॉज नॉट अ वॉयलेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही वॉज अ क्वाइट अ प्रेजेंट पर्सन एंड वॉज अ स्टार एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, वो ज्यादा वॉयलेंट नहीं था। ही वॉज अ क्लेप्टोमैनियक एंड हैड ब्रोकन जेल थ्राइस, 3 बारी जेल तोड़ के आ चुका था। ही वॉज अ मास्टर प्लानर, प्लानिंग बहुत तकड़ी करता था, सोशलेबल था, उसको पता था कैसे लोगों की नकल उतारनी है, और गवर्नर के बारे में भी उसको सब कुछ अच्छे से पता था, और वो जानता था कि कोई वॉयलेंस का रिकॉर्ड नहीं है उसके खिलाफ। वॉट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर इवांस, सो फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वेरियस प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन, जैसे कि जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स थे, रेजर, नेल, सीजर्स, ये सब हटा दिए गए वहां से। द गवर्नर, सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन एंड ऑफिसर स्टीफन, इनको ड्यूटी पे लगा दिया गया, स्पेशल इन्विजिलेटर को अरेंज किया गया, माइक्रोफोन लगा दिया गया, और फिर एग्जामिनेशन हुआ। हाउ डिड द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप हेल्प द प्रिजनर एंड द गवर्नर,
यहाँ पे क्या था, जो एक शीट थी वो काफी क्लेवरली पेस्टेड की गई थी ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप, ठीक है। इसमें अगर आप देख, सो इट वॉज टू फाइनलाइज द डिटेल्स ऑफ प्लान ऑफ एस्केप, ठीक है, कैसे भागना था उसमें सब कुछ डिटेल्स थी, एंड टू मेक द अथॉरिटीज बिलीव दैट द वाउंडेड मैन वॉज मैक्लेरी, और जो अथॉरिटीज को ये बिलीव करवाना था कि ये जो जख्मी आदमी था वो मैक्लेरी था जो इन्विजिलेटर था। सो ऑन द अदर हैंड दिस हेल्प्ड द गवर्नर टू लोकेट द प्लेस वेयर इवांस वॉज हाइडिंग, वो करेक्शन स्लिप से ही उसको पता चल जाता है कि इवांस कहाँ पे है। वॉट वॉज सीन बाय स्टीफन्स ऑन ओपनिंग द पीप होल ऑफ इवांस सेल आफ्टर सीइंग ऑफ मैक्लेरी, सो आफ्टर सीइंग ऑफ मैक्लेरी स्टीफन्स हैड एन इंट्यूशन टू हैव लुक इन टू द सेल्स ऑफ इवांस, ही वॉज शॉक्ड टू सी समथिंग वेरी हॉरिबल, देर ही फाउंड अ मैन लाइंग इन द चेयर विद हिज हेड स्मीयर्ड इन ब्लड, जब वो अंदर जाता है तो एक आदमी दिखता है जिसको खूनम खून हुआ पड़ा था, वो बेस्ड ऑन अ प्री कंसीव्ड नोशन विदाउट इंश्योरिंग द आइडेंटिटी, उसने देखा भी नहीं कि वो बंदा कौन था, इंजर्ड मैन कौन है, उसने उसको मैक्लेरी समझ लिया और उसने चिल्लाया, पुलिस को बुलाया, उसको निकलवा दिया बाहर। देखो यहीं पे इनसे ये मिस्टेक हुई थी। हाउ डिड इवांस मैनेज हिज फाइनल एस्केप, सो इवांस जो है वॉज ऑन वर्ज ऑफ अरेस्ट इन द होटल, बिल्कुल कगार पे था वो होटल पे अरेस्ट होने की, ही वॉज हैंडकफ्ड, उसको हथकड़ी लगाई दी जाती है, एंड मेड टू सिट इन प्रिजन वैन, उसको प्रिजन वैन में बिठा दिया जाता है, बट द पीपल सिटिंग इन द वैन वर हिज अकम्प्लाइज, ठीक है, लेकिन जो उस वैन में लोग होते हैं वो उसी के दोस्त थे। दे ओपन हिज हैंडकफ, वो उसकी हथकड़ियों को खोलते हैं, एंड टुक द वैन टू न्यूज, ठीक है, बरी, एंड फैसिलिटेटेड हिज फाइनल एस्केप, और न्यूज बरी में ले जाते हैं वो उसको और वो भग जाता है इस तरीके से। थस इवांस आउटविटेड द गवर्नर, इस तरीके से वो गवर्नर को चकमा देके भाग जाता है, और इस तरीके से उसने पूरे कैलकुलेटेड और मेटिकुलस स्टेप्स उठाते हुए, यानी कि कितना क्लेवर उस तरीके से वो भागा। हाउ वॉज इंजर्ड मैक्लेरी एबल टू बी फूल द प्रिजन ऑफिसर्स, सो मैक्लेरी बी फ्रेंडेड द इन्विजिलेटर इन द जेल हु सप्लाइड हिम द आर्टिफिशियल ब्लड इन अ रबर रिंग, ठीक है, रबर रिंग के अंदर वो ब्लड था, बींग अ फाइन एक्टर ही पोर्ड इट ओवर हिमसेल्फ, और आपको पता ही है एक्टर तो वो था ही तकड़ा, उसने वो पूरा अपने हाथ में निकाल के विद हिज हैंकरशिफ, मतलब उसने अपने फेस पे और हर जगह पे उसने लगा दिया, ही फेक्ड अनबियरेबल पेन, नकली उसको दर्द हो रहा है ये उसने चिल्लाया, प्रीटेंड किया और अपनी वॉइस बदली, सो विद हिज सुपर एक्टिंग, इतनी तकड़ी एक्टिंग के साथ ही वो उसने बेवकूफ बनाया प्रिजन ऑफिसर्स को। वट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है पीछे क्वेश्चन में, सो वही सब इसमें आएगा, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इट इज मेनली अ बैटल ऑफ विट्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट, सो अगर आप इसको देखते हैं इवांस ट्राइज एन अवेलेबल स्टोरी को, सो द प्रिजनर इवांस वॉज एबल टू एस्केप, वो इतने प्रिकॉशंस के बाद भी भाग जाता है, सो इन द स्टोरी देर इज अ बैटल ऑफ विट्स बिटवीन द गवर्नर एंड टू ऑफिसर्स, ठीक है, ऑन वन हैंड एंड इवांस ऑन द अदर हैंड, भाई एक तरफ तो गवर्नर और उसके ऑफिसर, दूसरी तरफ इवांस, इन दोनों के बीच में ये चलता रहता है। इट वॉज फुली इंश्योर्ड बाय द प्रिजन अथॉरिटीज दैट इवांस शुड नॉट एस्केप एट एनी कॉस्ट, ये हर तरीके से इंतजाम करके रखा था कि इवांस नहीं भाग पाएगा, ही इम्परसोनेटेड मक्लीरी, मक्लीरी जैसा वो बनता है, इनविजिलेटर बन के अंदर रहता है और पूरी एक राइट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वो वहां से भागता है, सो दस इवांस हैड द लास्ट लॉफ, लास्ट में इवांस ही हंसता हुआ जाता है, ओके, और इस तरीके से था, द पुलिस अरेस्ट क्रिमिनल्स एंड द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज फाइट केसेस बट मेनी अ टाइम्स द क्रिमिनल्स गो स्कॉट फ्री बाय प्लेइंग नमरस अनकैनी वेज, पुलिस का काम होता है क्रिमिनल्स को पकड़ना, पर बहुत बारी क्रिमिनल्स भाग भी जाते हैं अलग अलग तरीकों का यूज करके, सो द पनिशमेंट ऑफन डज नॉट मैच विद द ग्रेविटी एंड इंटेंसिटी ऑफ क्राइम्स, ओके, जितने ज्यादा इंटेंस क्राइम्स होते हैं बहुत बारी पनिशमेंट उतनी नहीं हो पाती, सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सफुलनेस ऑफ द क्रिमिनल, हिज एबिलिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ एंड हाउ कनिंगली ही इज एबल टू मैनिपुलेट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, सो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसको याद करके रखना आप, ठीक है, ये इसके आने के चांस हैं इस क्वेश्चन के। वॉट वॉज द जर्मन टीचर्स ओपिनियन ऑफ इवांस प्रोफिशियंसी इन जर्मन, सो इवांस जर्मन टीचर हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ हिज प्रोफिशियंसी इन जर्मन, तो उनको यही लगता था कि इसके बहुत कम चांस हैं ये लेवल ओ का एग्जाम क्लियर कर पाएगा। वॉट कुड द गवर्नर हैव डन टू सिक्योरली ब्रिंग इवांस बैक टू द प्रिजन फ्रॉम द गोल्डन लायन होटल,
सो द गवर्नर शुड हैव ट्रेवल्ड हिमसेल्फ इन द वैन। इसको क्या करना था, खुद ही इवांस को लेके जाना चाहिए था वैन में, लेकिन उसने चेक भी नहीं किया कि कौन लेके जा रहा है इवांस को वापस, ठीक है, प्रिजन की तरफ। यही गलती हो गई। वॉट इंपॉर्टेंट कॉल डिड द गवर्नर रिसीव वेन द एग्जाम वॉज गोइंग ऑन। सो द इंपॉर्टेंट कॉल दैट गवर्नर रिसीव्ड वेन द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग ऑन वॉज फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कोर्ट, एंड ही वॉज आस्क्ड टू प्रोवाइड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, ठीक है। और इस तरीके से वो बताता है, वाई डिड द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्स इवांस द ब्रेक, ओके, क्योंकि इसने भाई अथॉरिटीज को पागल बना के 3 बार से ज्यादा ये इसने अपने प्रिजन को तोड़ा था, इसीलिए इसको कहा जाता है इवांस द ब्रेक। वाई वॉज इवांस नॉट रेडी टू रिमूव हिज हैट। सो इवांस डिड नॉट टेक ऑफ हिज हैट व्हेन जैक्सन ऑर्डर्ड हिम टू डू सो, बिकॉज उसका एक प्लान था। इवांस हैड लॉन्ग वेवी हेयर, ठीक है, ही हैड डिसाइडेड टू क्रॉप देम शॉर्ट एज टू वो मैकलेरी जैसा दिखने के लिए उसको काटना पड़ा, बट दिस वुड हैव बीन एविडेंट इफ ही हैड टेकन ऑफ हिज बोवल हैट। तो उसको पता चल जाता था। सो ही टुक परमिशन फ्रॉम जैक्सन टू कीप हिज हैट ऑन वाइल अपियरिंग फॉर द एग्जाम ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट इट वॉज हिज लकी चार्म। और वो हैट को परमिशन लेके रखता है अपने पास में ऐसे ही। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन बेस्ड ऑन द स्टोरी। सो द गवर्नर ऑफ एच एम प्रिजन ऑक्सफोर्ड अपियर्स टू बी अ काइंड हार्टेड फेलो। काफी काइंड हार्टेड था वो, उसने ओ लेवल एग्जाम के लिए सारे अरेंजमेंट करवाए, और ही वॉज दो क्वाइट स्केप्टिकल ऑफ इवांस, और वो डरा भी हुआ था इवांस भाग ना जाए, सारे अरेंजमेंट उसने करे कि वो भाग ना पाए। ही वॉज ऑल्सो वेरी प्राउड एंड सेल्फ कॉन्शियस, ही डिड नॉट वॉन्ट इवांस टू डिसग्रेस हिम बाय एस्केपिंग फ्रॉम हिज प्रिजन। ही हैड अ शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड, काफी तेज था, विच वॉज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट ही क्रॉस चेक्ड एवरी कॉल दैट वॉज मेड टू द प्रिजन दैट डे। ही प्लान द एग्जाम मेटिकुलसली, ही वॉज स्मार्ट इनफ टू डिकोड द मैसेज इन द करेक्शन स्लिप, करेक्शन स्लिप का मैसेज भी डिकोड कर लिया उसने। हाउ एवर ही गॉट ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज अरेंजमेंट्स, और काफी ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और एवांस को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लास्ट में, ठीक है। ऑल्सो ही वॉज अ पर्सन हु डिड नॉट माइंड शॉवरिंग प्रेज प्लान टू हिम, ही एडमायर्ड हिम। एट लास्ट ही प्रूव टू बी जस्ट अनदर गुड फॉर गिगल ग्लुबल गवर्नर व्हेन इवांस ट्रिक्ड हिम अगेन। और वैसे ही बैठा रह गया इवांस, फिर उसको बुद्धू बना के चला गया। उसका ओवर कॉन्फिडेंस, खुद को हमेशा अच्छा बताना, ये उसको ले डूबा। सो यही था इसके अंदर। हाउ डिड द मिस्टेक्स कमिटेड बाय द प्रिजन अथॉरिटीज हेल्प इवांस इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन। ये लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस टेकन बाय द गवर्नर एंड हिज स्टाफ दे फेल्ड टू फॉइल इवांस बिट एस्केप बिकॉज ऑफ सर्टेन लैप्सेस ऑन देयर पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कॉल्ड अ टीचर फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज टू एक्ट एज इवांस जर्मन ट्यूटर बट नेवर केयर टू चेक ऑन हिम। भाई आज तक उन्होंने कभी चेक नहीं किया कि वो टीचर था कौन। देन दे अरेंज्ड, ठीक है, रेवरेंड एस मैक्लेरी टू इनविजिलेट बट नेवर केयर टू चेक ऑन हिम व्हेन ही कम टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। कभी उसको भी चेक नहीं किया। व्हेन स्टीफन्स रेज्ड एन अलार्म दे ब्लाइंडली वेंट बाय हिज अजम्पशंस दैट इवांस इंपर्सनेटिंग एस मैक्लेरी हैड वॉकड आउट ऑफ द प्रिजन आफ्टर इंजरिंग मैक्लेरी। उन्होंने चेक भी नहीं किया, उन्होंने सोचा कि मैक्लेरी को इंजर्ड करके इवांस भग गया। दे डिड नॉट इवन बोदर टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ द इंजर्ड मैक्लेरी, इंजर्ड वाले को भी नहीं देखा। देन मैक्लेरी गेव देम द स्लिप एंड डिसअपीयर्ड। बिलेटेडली दे डिस्कवर्ड दैट इट वॉज इवांस, उनको फिर पता चलता है ये इवांस था। फाइनली कुछ क्लूज को लेते हुए गवर्नर उसको देखता है, तो फिर वो गोल्डन लाइन होटल पहुंचता है। यहाँ भी मतलब उन्होंने मूर्खता दिखाते हैं, और ही रैंग अप द लोकल पुलिस स्टेशन, और वो कहता है कि कुछ पुलिस वैन के साथ बंदों को भेजो जो इवांस को ले जाए। अब वो बंदे भी इवांस वाले ही आ जाते हैं। तो इस तरीके से था। डिस्क्राइब 3 ट्रिक्स यूज बाई इवांस टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। सो इवांस जो कि एक जेल ब्रेकर रह चुका था, ठीक है, जितने भी प्रिकॉशंस थे गवर्नर ने लिए, उसके बावजूद वो भाग गया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन द जर्मन टीचर एंटर्स द प्रिजन टू द लास्ट एनकाउंटर बिटवीन द गवर्नर एंड इवांस। भाई जर्मन टीचर जब आता है वो भी इवांस का बंदा, लास्ट में जो इवांस को लेने वेने में आते हैं वो भी इवांस के बंदे।
हर तरीके से इतने स्मार्ट तरीके से इवांस भागता है। इवांस कैरीज आउट ऑल हिज प्लान्स राइट अंडर देयर नोजेस, टर्निंग द टेबल्स ऑन देम, मेकिंग द प्रिजन अथॉरिटीज अपीयर्स एज गुड फॉर नथिंग ऑफिसर्स। फॉर एग्जाम्पल, ही न्यू दैट मिस्टर जैक्सन, हु यूज्ड अ रफ टोन, हैड सम कंपैशन इन हिम। ही ग्रांटेड इवांस रिक्वेस्ट टू कीप द फिल्थी लुकिंग रेड एंड व्हाइट बोबल हैट। रेड एंड व्हाइट बोबल हैट वो पहन के रखता है ओके एग्जामिनेशन के टाइम पे। और हैट के अंदर क्या था, उसके क्रॉप्ड हेयर थे, रिसेंटली क्रॉप्ड हेयर थे ओके। वो अगर वो नहीं होते तो वो भाई पता चल जाता कि वो कौन था, तो इस तरीके से था। ऑल्सो ही न्यू दैट प्रिजन ऑफिसर्स विल ब्लाइंडली गो बाय, वो जानता था प्रिजन ऑफिसर्स वो मान जाएंगे, मैं चिल्लाऊंगा इंजर्ड मतलब होके तो वो मेरे को ले जाएंगे बाहर ओके। सो इस तरीके से वो भागता है। इनफैक्ट इवांस इज एक्चुअली ऑफिशियली एक्सकॉर्टेड आउट ऑफ जेल बाय द प्रिजन ऑफिशियल देमसेल्व्स। फाइनली होटल में जब वो जाते हैं, गवर्नर को लगता है कि उसने इवांस को पकड़ लिया, वो फिर से वहां से भग जाता है भाई, वैन वाले बंदे उसके थे। विच इंपॉर्टेंट कॉल डिड द गवर्नर, ये मैंने आपको बता दिया है। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इनको जरूर याद करके रखना, बहुत से रिपीटेड क्वेश्चंस थे जिनके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नहीं दिए, वो आपको याद कर लेने। मैंने अपनी तरफ से जो मैं दे सकता था आपको वो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।